बड़ी खबर सिवान जिले से आ रही है, जहां सिवान जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गुरुवार की रात एक अनियंत्रित कार सड़क छोड़ तकरीबन 5 फीट अंदर गड्ढे में पलट गई है। इस हादसे में कार सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं कार में सवार अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के बंगरा गाँव निवासी अमर उपाध्याय के 36 वर्षीय पुत्र राजन उपाध्याय उर्फ निकू बाबा के रूप में हुई है। घटना सिवान पैगम्बरपुर मुख्य पथ की बाल बंगरा के काली स्थान के समीप की बताई जा रही है। घटना देर रात की है। जैसे इसकी सूचना परिवार वालों को मिली, परिवार वालों की घटनास्थल पहुंचते ही चीख पुकार मच गई, क्योंकि आज होली का दिन है और होली के दिन यह घटना काफ़ी ही दुखद है। जैसे इसकी सूचना दरौंदा थाने को मिली, दरौंदा थाने के SI लक्ष्मण प्रसाद यादव SI अमित कुमार सिंह घटनास्थल पहुंचकर कागजी कार्रवाई में जुट गए हैं। तो फिर से बता दें कि बड़ी खबर सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के बाल बंगरा गांव के काली स्थान के समीप से आ रही है, जहां सिवान पैगम्बरपुर मुख्य पथ के बाल बंगरा गांव के काली स्थान के समीप अनियंत्रित कार ने सड़क छोड़ तकरीबन 5 फीट अंदर गड्ढे में पलट गई है, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई है। उस युवक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के बंगरा गाँव निवासी अमर उपाध्याय के 36 वर्षीय पुत्र राजन उपाध्याय उर्फ निक्कू बाबा के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद दरौंदा थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर कागजी कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। वहीं जो थाने के अधिकारी हैं कागजी कार्रवाई में जुट गए हैं। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।